अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ ने वाल्मीकि समाज के एक युवक पर जानलेवा हमला करने वालों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित ज्ञापन में कहा कि थाना सिविल लाइन अंतर्गत चंद्रनगर वाल्मीकि बस्ती निवासी संजीव वाल्मीकि कलेक्ट्रेट के सामने साइकिल स्टैंड चलाकर अपना गुजर बसर करता है। आरोप है कि 28 अक्टूबर को संजीव वाल्मीकि के ऊपर रविंद्र अग्रवाल एवं उनके पुत्र रोहित अग्रवाल ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल को जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया गया। ये भी कहा गया कि इस घटना की लिखित सूचना तत्काल क्षेत्रीय थाना पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। मांग उठाई गई संजीव वाल्मीकि के हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ज्ञापन देने वालों में रंजीत सिंह काका, नेकपाल सिंह प्रधान, सुनील राजदान, संजीव वाल्मीकि, रोहित वाल्मीकि, राजीव भारती, कपिल कुमार चौधरी एवं राहुल सेवक सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश सहित मुरादाबाद जनपद में दिन प्रतिदिन दलित वाल्मीकि समाज में उत्पीड़न, शोषण और इनके ऊपर जास्ती होने की घटना लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम आज SSP महोदय जी को दलित उत्पीड़न की घटना रोकने के लिए और अभी परसों वाल्मीकि समाज का एक संजीव वाल्मीकि जो किराए का स्टैंड लेकर अपना कार्य करता था, बच्चों का गुजर बसर करता था, उसको जबरदस्ती बेदखल करने को लेकर उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, पुलिस द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, 2 घंटे चौकीमर उसको बिठाया गया, इस चीज़ की शिकायत की गई तो और उसका उत्पीड़न किया गया। परसों रात 6:30 बजे और 6 बजे के आसपास संजीव वाल्मीकि के ऊपर धारदार हथियारों से कातिलाना हमला किया गया और इनकी रस्सी से घोटकर हम मौत मृत्यु करने की इनको ने साजिश रची गई। हमने इसी बात को लेकर SSP साहब को जबकि उसी दिन मेडिकल करवा दिया, उसी दिन थाना सिविल लाइन के अंदर हम लोगों ने तहरीर दे दी। लेकिन हमने मांग की है कि संजीव वाल्मीकि के कातिलाना हमले वालों के खिलाफ में सबसे सख्त कार्रवाई की जाए, रिपोर्ट दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए और दलितों के ऊपर उत्पीड़न जो शोषण की घटना हो रही है उसको तुरंत बंद किया जाए।